नमस्कार दोस्तों, मैं बीएस गांधी और आप देख रहे हैं गांधी टेक। दोस्तों, आज की वीडियो में मैं अल्टरनेटर यानी डीजी ट्रांसफार्मर जिस पे भी जो होते हैं वो होते हैं केवीए में, जैसे 5 केवीए का, 10 का, 16 और ऐसे 20 XYZ ऐसे होते हैं। ठीक है दोस्तों, जैसे कि एक अल्टरनेटर लेते हैं, जैसे 10 का अल्टरनेटर लेते हैं, 10 केवीए का, तो हम ऐसे कैसे पता करें कि इस पर कितना लोड ले सकते हैं या फिर कितना HP की मोटर चला सकते हैं या फिर कितना एलोजन या लाइट चला सकते हैं। तो इन सभी के डिटेल्स के लिए मैंने ये वीडियो बनाया, तो बने रहिए मेरे साथ, देखते रहिए गांधी टेक। और दोस्तों, अभी तक आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर दें और बेल आइकन पर भी क्लिक कर दें ताकि आने वाली वीडियो का नोटिफिकेशन अपने को देखने को मिल सके। तो चलिए दोस्तों, मैं 10 KVA का एक अल्टरनेटर ले लेता हूँ। ठीक है दोस्तों, अब इस पर कितना एम्पेयर होगा, तो इस एम्पेयर को निकालने के लिए हमें एक फॉर्मूला यूज करना पड़ेगा। जैसे एम्पेयर इजिकल टू KVA इंटू 1000 अपॉन वोल्टेज। यदि आप 3 फेज की निकालना चाहते हो, यानी 3 फेज की निकालना चाहते हो या सिंगल फेज की निकालना चाहते हो, तो आपको 3 फेज के लिए अंडर रूट 3 करना होगा। सिंगल फेज के लिए आप इसको, मैं एक बार कर देता हूँ, इसमें 3 फेज के लिए ये है। ठीक है दोस्तों, अगर सिंगल फेज के लिए निकालोगे आप, तो सिंगल फेज के लिए फॉर्मूला सेम है, बस सिर्फ आपको अंडर रूट 3 नहीं लगाना है। ठीक है दोस्तों, ये अंडर रूट आपको 3 नहीं लगाना है। तो चलिए दोस्तों, मैं सिंगल फेज का निकाल देता हूँ, आपको इसका निकालना हो तो इसका भी समझा दूंगा। मैं आपको एक बार सिंगल फेज का निकाल के दिखा देता हूँ, सिंगल फेज का किस प्रकार से निकालते हैं। तो हमें एम्पीयर निकालने के लिए KVA निकाल लेना है। एक बार KVA कितना है अपना, और 1000 से इसको मल्टीप्लाई करके वोल्टेज से अपॉन कर देना है। ठीक है, तो हमें ले लेते हैं 10 का। ठीक है, हमारे पास में 10 KVA है, 1000 से मल्टीप्लाई करके वोल्टेज ले लेते हैं 220। ठीक है, अब इसको हमें काट के एम्पीयर निकल जाता है। ठीक है, और मैं निकाल के दिखाता हूँ आपको, 10210 कैंसिल। तो दोस्तों, अब हमारे पास में एम्पीयर के लिए निकाल क्या बचा, 1000/22। अब इसको हम करेंगे तो हमारे पास आ जाएगा 45.45 एम्पीयर, मतलब हम इतना एम्पीयर तक का इस पर लोड चला सकते हैं। ठीक है दोस्तों, 10 KVA का आपके पास में अल्टरनेटर हो, डीजी जनरेटर हो या ट्रांसफार्मर हो सिंगल फेज का, तो आप इतना एम्पीयर चला सकते हो। ठीक है, ये एम्पीयर आपको 3 तरीके से मिलते हैं। LCR परिपथ देखा होगा आपने, LCR परिपथ, LCR मतलब, L मतलब लाइन टू लाइन होता है, जिसमें कोई कैपेसिटर ना हो, कोई रजिस्टर ना हो, वो लाइन टू लाइन है। और जो C वाला है, ये कैपेसिटर का है, जिस मोटर में कैपेसिटर लगता हो। तो LCR के लिए आपको क्या करना है, देखिए दोस्तों, 1 1 और ये 0 to 1। L का मतलब 0 से 1 के बीच में हो सकता है, यानी कि 0.85, 0.80 या 0.95, कितना भी हो सकता है। ठीक है, C के लिए 1 और R के लिए 1। R में जैसे हीटर होते हैं, आयरन होते हैं, जो स्प्रिंग के द्वारा, मतलब जो लोग लगी होती है स्प्रिंग, उसमें वो रजिस्टर होता है कि एक सिरे से जुड़ के दूसरे सिरे पर उसको जुड़ना होता है। कैपेसिटर जिस मोटर में कैपेसिटर लगा होता है, और लाइन टू लाइन मतलब जिसमें लाइन सीधी लगी होती है, जिसमें ना कैपेसिटर हो ना रजिस्टर हो। इस प्रकार से ये, इसका हमें पावर फैक्टर भी ऐड कर देना है इसमें साथ में, पावर फैक्टर। पावर फैक्टर का ज़्यादा इफेक्ट नहीं पड़ता है, इसलिए ये इतना ही है। इसमें बस 45 की 44 43 इतना फर्क पड़ सकता है, ज़्यादा कुछ फर्क नहीं पड़ता। एवरेज आप निकालना चाहते हो सीधे बिना पावर फैक्टर के, तो 45 है। ठीक है, अब इसके अलावा आपको करना क्या है कि हमें कितना HP की है मोटर, किलोवाट कितना है इस पर, तो इसका सीधा सिंपल तरीका है। जैसे हमें निकालना है इसका किलोवाट निकालना है, कितना कितना किलोवाट है, तो हमें किलोवाट के लिए एम्पीयर इंटू वोल्टेज अपॉन 1000 करना है। ठीक है, अब एम्पीयर कितना है हमारे पास में, एम्पीयर आया हमारे पास में 45 इंटू 45 एम्पीयर आया, इंटू वोल्टेज 220,
ठीक है, 220 और अपॉन 1000। अब हमारा आ जाएगा किलोवाट, ठीक है, किलोवाट कितना है, ठीक है, इसी एम्पीयर पे, यानी कि इस एम्पीयर पे इतने केवीए पे कितना किलोवाट है। देखिए दोस्तों, मैंने ये एम्पीयर ले लिया, इसका एम्पीयर, एम्पीयर वोल्टेज, वोल्टेज 1000, इसका करेंगे तो आप ये आ जाएगा, ठीक है, 9.999, मतलब इसको हम 1000 मान सकते हैं, 1000 मान सकते हैं, मतलब वाट, ठीक है, क्यों, ये है किलोवाट। जैसे ही हम किलोवाट में को 1000 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 1000 हो जाएगा, मतलब इसको हम 10 किलोवाट भी कह सकते हैं, ठीक है दोस्तों, 10 किलोवाट हम इसको कह सकते हैं, सेम 10 किलोवाट और 10 केवी सेम हो गया ना, सेम। अब यदि आपका ये सेम आ रहा है, लगभग में आ रहा है, तो मतलब ये आपका एक एम्पीयर जो एक्यूरेट है, ठीक है। अब इस पे हम, मतलब ये है कि हम इस पे 1000 वाट तक की कैपेसिटी दे सकते हैं 10 केवीए पे, ठीक है दोस्तों, 10 किलोवाट कैपेसिटी 1000, सॉरी 10 किलोवाट की कैपेसिटी 10 केवीए के एम्पीयर पे दे सकते हैं, वहाँ पे अल्टरनेटर पे या फिर किसी पे भी, ठीक। अब एचपी और बताता हूँ आपको, एचपी किस प्रकार से लिखाते हैं, एचपी का आपको एक बार बताता हूँ, एचपी, एचपी के लिए एक सूत्र है दोस्तों, एचपी निकालने के लिए हमें किलोवाट इंटू अपॉन में 0.746। तो चलिए दोस्तों, हमारे पास में किलोवाट कितना है, 10 मान लेता हूँ मैं किलोवाट को, या फिर छोड़िए 10 को 9.999, ठीक है, ये होगा, इसमें आप आपको भाग देना है 0.7 का, ठीक है। अब क्या आता है, ये आएगा जो हमारे पास में आएगा एचपी, मैं आपको निकाल के दिखा देता हूँ एक बार। तो देखिए दोस्तों, ये हमारे पास में एचपी आ गई, मतलब 13 HP तक का हम इस पे लोड दे सकते हैं, ठीक है दोस्तों। अब आपके एक बार डिटेल समझा देता हूँ मैं, 10 किलोवाट का हमारे पास में अल्टरनेटर, जनरेटर या फिर ट्रांसफार्मर क्यों ना हो, उस पे हम कितने का लोड ले सकते हैं, हमें 13 HP तक की मोटर चला सकते हैं उस पे, या इतना तक का लोड ले सकते हैं, फ्रिज, हैलोजन, ATC कुछ भी चला सकते हैं, कूलर पंखा, सिर्फ 13 HP तक का, ठीक है। एम्पियर कितना ले सकते हैं उस पे, 45 एम्पियर तक का ले सकते हैं, ठीक है, ये आपको मेन चीज है। जो मैंने आपको किलोवाट निकालना सिखाया था, इसका इस पे कोई महत्व नहीं है, इस पे सिर्फ ये महत्व है एम्पियर का, कितना एम्पियर ले सकते हैं, एचपी का कितना एचपी ले सकते हैं। अब एक एचपी में कितने वाट होते हैं ये आपको बता देता हूँ मैं, 1 HP में होता है 746 वाट, ठीक है दोस्तों, 1 HP में 746 वाट होते हैं। इसी प्रकार से आप इसका भी कैलकुलेशन कर सकते हैं, सीधी सिंपल बात है, 10 किलोवाट की जो आपके पास में अल्टरनेटर हो या कुछ भी है ट्रांसफार्मर, उस पर हम कितने का लोड ले सकते हैं, मैं आपको बता, 10 किलोवाट पे 10,000 वाट का लोड ले सकते हैं, ठीक है दोस्तों। यदि आपको यकीन ना हो तो मेरे पास में 13.39 HP है, और मैं इसको एक बार देख रहा हूँ, 1 HP में 746, 13.39 × 746 लगभग इतने का आसपास आना चाहिए, 10,000 का वाट का आसपास। देखिए दोस्तों, इसको मैं इसके साथ मल्टीप्लाई करता हूँ, मेरे पास में इतना HP है, 13.39 HP × 746, क्योंकि 1 HP में 746 HP होते हैं, सॉरी 1 HP में 746 वाट होते हैं, तो मेरे पास में आंसर आया है 9.98.94 वाट, जो कि 10,000 के एक्यूरेट में है, ठीक है दोस्तों। इस प्रकार से आप बिना कैलकुलेशन के भी आप समझ सकते हैं कि हमारे पास में 10 केवीए का अल्टरनेटर है 10,000 वाट दे सकते हैं, 5 का है तो 5,000 वाट दे सकते हैं, 25 का तो 25,000 वाट ले सकते हैं, बिना कैलकुलेशन के आप इस ट्रिक से भी आप इसका सॉल्यूशन कर सकते हैं। तो ठीक है दोस्तों, आपको मेरी वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करना ना भूलें, धन्यवाद।